ये भी इधर देखिए सामने सामने मिले हुए थे, उन्होंने बोगस मशीन पकड़ने जाने के बाद भी हम लोगों को सहयोग नहीं किया है, उसी की वजह से हमें बाइकआउट करना पड़ा 9th फेरी के बाद। और 9वें फेरी के बाद क्या हुआ, स्ट्रांग रूम के अंदर से जो मशीन है वो असली थी या नकली थी उसके बारे में कोई मालूम नहीं। हमारा कोई भी वहाँ पर एजेंट नहीं था, कोई भी कैंडिडेट नहीं था, किसी भी कागज के ऊपर सिग्नेचर नहीं थे, फिर मतदान खोजनी कैसे हो सकती है, हमारा सवाल है। यहाँ पर रीइलेक्शन होना चाहिए और बैलेट पेपर से होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट एंडिंग तक जो उम्मीदवार जीती वो भी नहीं थी, तो किसकी निगरानी में मतमोजनी हुई, ये सवाल खड़ा हुआ है। और हम निषेध करते हैं मतदान प्रक्रिया का, मोजनी प्रक्रिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये निषेध करते हैं और ये बोगसगिरी का हम निषेध करते हैं। यहाँ पर ही इलेक्शन होना चाहिए और पुलिस का पूरा बल उपयोग करके 124 धारा तुरंत लगाऊंगा और आपके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, ऐसा भी हमने आपको धमकी दिया था और कार्यकर्ता को धमकी दिया था। बैलेट पेपर लाना चाहूंगा, अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया वो गलत है, क्योंकि मुझे इलेक्शन जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वेबसाइट पे वो गलत है, क्योंकि मुझे वोट मिला है 9वें राउंड तक 1200, 1300, 1500, मगर वो पब्लिश किया है 550, ये भी गलत है। तो इसलिए मैं ये बतलाना चाहता था और मेरी ये मांगे है कि हमारा इलेक्शन जो है 153 विधानसभा का क्षेत्र का री इलेक्शन बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। और यहाँ पे 153 देसरी विधानसभा की जितने भी मशीनें थी उसका फिर एक बार चेकिंग किया जाए,